लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में चार लड़कों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी की कार का पीछा किया। इसके बाद स्मृति रानी ने चाणक्यपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। स्मृति रानी की गाड़ी का पीछा करने वाले चार युवकों में से एक युवक सामने आया है और उसने पूरी आप बीती सुनाई है। आप भी सुनाएं क्या कहा उनमें से एक। हमारी गलती थी कि भाई हम मानते हैं कि हमने नियमों का उल्लंघन किया है। वो वॉल्यूम तेज था गाड़ी में, हम हमारे बस डांस करते हुए और हम हमारी वीडियो बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। हमें इस चीज बीच कुछ नहीं पता था कि हम पता नहीं क्या हमसे कोई गलती जाने में भी हुई हो अनजाने में हो, हमें कुछ पता नहीं था सर। जब हमारे पास से गाड़ी आई, जब हमने किस गाड़ी को ओवरटेक किया तो हमें ये भी नहीं पता था कि उसमें कौन है कौन बैठे हैं, नहीं पता था सर जी। अगर पता होता तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। फिर जब मैडम जी आए तो फिर उसके बाद में सर आप सबको ही बताइए। आप लोगों ने मौके पर भी माफी मांग ली थी? हाँ जी सर, हमने माफी भी मांग ली थी। उसके बाद से मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपने कोई छेड़खानी घटना को अंजाम नहीं दिया था? सर छेड़खानी की घटना को अंजाम सर जहाँ तक सर दिया नहीं है। और अगर गलती से भी कोई अगर छेड़खानी वाली घटना को अंजाम दे दिया है तो हम यही गुजारिश करता हूँ कि सर हमें माफ कर दें, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारा खुद का फ्यूचर है, फैमिली वालों ने हमें इतना दूर यहाँ पे भेजा है। मतलब आप हम लोग चैनल के माध्यम से आप कम से कम माफी मांग रहे हैं? मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैडम जी अगर कोई जाने अनजाने में चलो किसी से भी हुई हो, चारों में से किसी से भी गलती हुई हो, मुझसे हुई हो और किसी से हुई हो, तो मैं खुद माफी मांगता हूँ। आप बस इतनी सी बस हमारी एक गुहार मान लीजिए, बस एक बात एक्सेप्ट करवा दीजिए कि बस जी हमारी लाइफ बर्बाद ना हो, क्योंकि हम भी कुछ पढ़ना चाहते हैं कुछ। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना।